रुक करते हैं अब विस्तार से गतिविधियों की ओर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमीरपुर प्रवास के लिए सुबह हवाई मार्ग से हमीरपुर पहुंचे। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री अनुस्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने जिन्यारा में ईवीएम भंडारण वेयर हाउस का शिलान्यास किया। वहीं शासन में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षण कुटीर का भी उन्होंने लोकार्पण किया। उसके बाद उन्होंने हथलीखड़ के समीप आदेशक गृह रक्षक वाहिनी के कार्यालय भवन का उद्घाटन करने के बाद गसोता में आईपी स्कीम का उद्घाटन किया। हमीरपुर में एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का एनआईटी हेलीपैड पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर, विधायक नरेंद्र ठाकुर, कमलेश कुमारी, एचआरटीसी निगम प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, बीजेपी जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर पहुंचते ही करोड़ों रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सबसे पहले हमीरपुर डिग्री कॉलेज परिसर में निर्मित इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। इसके बाद जनियारा में एवीएम बियर हाउस का शिलान्यास करने के बाद शासन में आईपीएच विभाग के रेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। बाद में हथलीखड़ के पास गृह रक्षक वाहिनी के कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। उसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गसोता में पेयजल आपूर्ति योजना और लंबड़ू बुक खग्गल में 33 केवी सब स्टेशनों की आधारशिला रखी। हैदराबाद में दुष्कर्म के दोषियों के एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घटना को दिल से दहलाने वाली घटना बताया है और दोषियों के साथ हुए एनकाउंटर पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर कैसे रोक लग सके, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। देखिए, जो घटना वहाँ पर घटित हुई है वो सचमुच में दिल को दहला देने वाली है। तो बेटी के साथ जिस प्रकार का वहाँ पर व्यवहार हुआ, जिस प्रकार से सारी घटना घटित हुई, उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। जहाँ तक एनकाउंटर की बात है, वो अभी सिर्फ हमको तो जानकारी इस बारे में मिली है, तो बहुत बड़ी कोई प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो घटना घटित हुई है, ऐसी घटनाओं पर कैसे रोक लग सके, ऐसी घटनाओं को किस प्रकार से रोका जा सके, ये हमारे लिए सचमुच वो चिंता का भी विषय बना है। और मैं इस गुड़िया के साथ जो घटना जो वहाँ पर घटित हुई है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। देहरादून धर्मशाला में 9 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार शीतकालीन सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष रचनात्मक भूमिका निभाते हुए लोक हित के मुद्दों को ही सत्र में उठाए, न कि राजनीतिक से प्रेरित मुद्दों को उठाए। हमारा शीतकालीन सत्र जो है 9 तारीख से शुरू होने वाला है और विपक्ष की ओर से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका जवाब दिया जाएगा। जो भी चर्चा माननीय सदन में चर्चा के रूप में लाई जाएगी उस पर चर्चा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं विपक्ष जो है एक अच्छी भूमिका के नाते, रचनात्मक भूमिका निभाते हुए, जो लोक हित के लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय है उन पर सार्थक चर्चा करे, ना कि सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से ही जो है वो सारी बातों को करने की और कहने की कोशिश करें। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, सरकार मजबूत सरकार और विधानसभा के सत्र में जितने भी मसले इस प्रकार के उठाए जाएंगे हम जो है पूरी ताकत के साथ उनके जवाब। सरकार द्वारा हमीरपुर की अनदेखी पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने किसी से अनदेखी नहीं की है और कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है। उन्होंने खुले मन से
कांग्रेस नेताओं को निमंत्रण देते हुए कहा कि करोड़ों के शिलान्यास और उद्घाटन किए जा रहे हैं, इसलिए अगली बार कांग्रेसी नेता भी हमारे साथ चले और विकास की गवाह बने। चाहूंगा कि एक दिन उनको सबको मैं निमंत्रण दूंगा कि वो साथ चले। बजट प्रावधान कब किए गए थे और बजट प्रावधान के बाद काम शुरू कब किए गए थे और पूरे कब किए गए, और मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है सिर्फ जिस प्रकार से विपक्ष की भूमिका जिम्मेदारी के साथ उनको निभानी चाहिए, और वो जो बोले वो तथ्यों पर बोले तो अच्छा रहेगा, अगर तथ्य पर बोले तो जवाब देने का भी आनंद है। ईवीएम बियर हाउस के बनने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब ईवीएम रखने के लिए स्थायी स्थान मिल गया है, जिसकी वजह से कॉलेजों और स्कूलों में चुनावों के रखे जाने वाले ईवीएम का झंझट खत्म हो रहा है। इस बात की प्रसन्नता है कि ईवीएम के लिए इलेक्शन कमीशन ने अब बजट प्रोविजन करके अलग से वेयर हाउस करने की जो है वो एक शुरुआत की है पूरे देश भर में। अन्यथा बहुत जगह ईवीएम जो है सरकारी संस्थानों में, खासतौर से कॉलेज के भवन में, और आधा कॉलेज का भवन जो है ईवीएम से भरा रहता था, और ईवीएम सिर्फ चुनाव के दिनों में इस्तेमाल होती थी, उसके बाद वो बंद कमरे नाम को खोल सकते थे। ऐसी परिस्थिति में ये अच्छी एक शुरुआत है और मैं समझता हूँ सुरक्षित भी रहेंगी, और सुरक्षित रहने के साथ साथ में जो हमारी जो अकोमोडेशन जो ईवीएम को रख रखाव के लिए दी जाती थी तो उसको हम दूसरे उपयोग के लिए ला सकते हैं। सर जो कर्म साथ बातचीत करके उसका भी सुझाव करेंगे, वो होता रहता है बीच बीच में। हाल ही में कैबिनेट ने शिक्षकों के पदों में ड्राइंग और शारीरिक अध्यापकों के पदों की अनदेखी किए जाने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से पदों को भर रही है और उसमें आते ही इन पदों को भी भरा जाएगा। एक प्रक्रिया है, अलग अलग समय में अलग अलग पोस्टों के लिए जो है इस प्रकार की भर्ती की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। अभी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो प्रक्रिया भी निश्चित रूप से होगी, ऐसा नहीं है कि भी एक ही जो है वो विभाग की एक ही पोस्ट की भर्ती की प्रक्रिया होगी, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस बात पर विचार कर। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।